फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर गिरफ्तारी का भय दिखाकर वाराणसी के सिगरा निवासी शिक्षिका शंपा रक्षित से 3,55,00,000 की धोखाधड़ी करने वाले 6 शातिर बदमाशों को साइबर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बुधवार को घटना का खुलासा डीसीपी क्राइम चंद्रकांत मीणा और एडीसीपी क्राइम टी शर्मन ने थाने में आयोजित पत्रकार वार्ता में किया। उन्होंने बताया कि धोखाधड़ी के पैसों में 13,63,000 रुपये नकद बरामद किए गए हैं, जबकि विभिन्न बैंक खाते में जमा लगभग 65,00,000 रुपये सीज किए गए हैं। साइबर क्राइम थाने की पुलिस को डीसीपी ने 25,000 रुपये नकद इनाम देने की घोषणा की है। डीसीपी ने बताया कि आवेदिका शंपा रक्षित को 8 मार्च को अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आया। फोनकर्ता ने खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी कर्मचारी बताया, कहा कि आपका फोन अगले 2 घंटे में बंद हो जाएगा, अभी आपके पास पुलिस का फोन आएगा। पीड़िता शंपा के पास तुरंत बाद फोन आया। वह अपने को विनय चौबे विले पार्ले पुलिस स्टेशन महाराष्ट्र का होना बताकर एक दूसरा मोबाइल नंबर बताते हुए कहा कि आपने घाटकोपर से मोबाइल नंबर लिया है और इससे आप अवैध काम कर रही हैं। पीड़िता ने बताया कि यह मोबाइल नंबर उनका नहीं है, जिस पर फर्जी पुलिसकर्मी ने अरेस्ट वारंट होने की धमकी देकर डरवाया और विले पार्ले पुलिस स्टेशन आने की बात कही। जब महिला ने आने से मना किया तो कथित पुलिसकर्मी ने अपने सीनियर से बात करने को बोला। पीड़ित महिला से स्काइप ऐप डाउनलोड करवाया। डीसीपी ने बताया कि इस गैंग के फर्जी पुलिसकर्मी में दूसरे साथी ने महिला से बात की, गिरफ्तारी का भय दिखाकर घर में रहने और घटना की किसी को जानकारी न देने की बात कही। डरवा कर महिला से उसका बैंक का पूरा डिटेल ले लिया और सारे पैसों को तथाकथित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खाते में डालने को बताया और आश्वासन दिया कि जांचोपरांत वादिनी के पैसे वापस आ जाएंगे तथा अरेस्ट नहीं होंगी। जब महिला को एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है तो उन्होंने साइबर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। डीसीपी क्राइम ने खुलासे में बताया कि गिरफ्तारी के लिए गठित टीम में 6 आरोपी गिरफ्तार हुए, जिसमें ICICI बैंक लखनऊ का रीजनल हेड सरफराज आलम निवासी कोतवाली नगर फैजाबाद और HDFC बैंक लखनऊ का कैशियर नूरुल्लाह निवासी कोतवाली नगर फैजाबाद शामिल है। इसके अलावा मोहम्मद तौफीक खान निवासी पिपरा, रामचंद्र अतरौला बलरामपुर, आरिफ अहमद खान निवासी इंदिरा नगर लखनऊ, सूरत के रहने वाले ओम अश्विन भाई गोयानी और नीरव बटुक भाई गोटी शामिल रहे। बताया कि अभी इनका आपराधिक इतिहास नहीं मिल पाया है, पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया जाएगा। एडिशनल DCP सरमन जी और इनके अंदर में साइबर थाने की जो टीम है उन्होंने बहुत अच्छा वर्कआउट किया है। इसमें 6 लोग जो है गिरफ्तार हुए हैं। इनका काम पुलिसकर्मी या ट्राई का इस वाली घटना में ट्राई का उन्होंने अपने आपको बताया था कि ये ट्राई के अधिकारी हैं और पीड़िता को आता है कि अरेस्ट वारंट है। ये जो है ब्लैक उसमें मनी की एक्टिविटीज इन्वॉल्व है। इनको डरा धमका के इनको स्काइप पे लिया गया, डाउनलोड करवाया गया, उनकी FD तुड़वाई गई और वो अलग अलग खातों में पैसा ट्रांसफ़र किया गया। तो ये वर्कआउट हुआ है, इसमें 13,63,000 रुपये अब तक बरामद हुए 6 व्यक्तियों से और 65,00,000 हमने जो है अलग अलग खातों में फ्रीज करवाया। जब इनसे कहा गया पीड़िता से कि आपके खिलाफ में अरेस्ट वारंट है, ये डर गई और इनसे कहा गया कि आप किसी से बात नहीं करेंगी, आपका जो केस है हम प्रायोरिटी बेसिस पर ले लेंगे, अपने जो वरिष्ठ अधिकारी उनसे इनकी बात कराई गई, स्काइप इनसे डाउनलोड करवाया गया और उनसे कहा गया कि आप जो है अपना जो पैसा है उसको RBI के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, हम सारा आपका जो रिकॉर्ड है क्रिमिनल एक्टिविटी है उसको देखेंगे, अगर वो आप किसी में संलिप्त नहीं पाई जाती हैं तो 3 दिवस में ये आपका पैसा वापस आ जाएगा।